हम उनको चुनौती देते हैं उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करें। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी का रहा चिराग पासवान जी के प्रति, उनके साथ नाइंसाफी की। झूठ पर झूठ बोलना इनका काम है। सुशील मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार सरकार खुद का उत्पादन कितना करती है। झूठ पर झूठ बोलना इनका काम है। सुशील मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार सरकार खुद का उत्पादन कितना करती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर वो गांवों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के खिलाफ लोग का भारी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने चैलेंज किया है कि किसी भी मुद्दे पर खुली बहस के लिए वह उन्हें चुनौती देते हैं, आएं और बहस करें। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के साथ जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, जेडीयू उन पर लगातार तंज कस रही है। उन्होंने कहा है कि इस आपदा के समय में चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने बहुत गलत किया है। देखिए, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्रता से बोलना चाहूँगा कि उनकी जो भी 15 साल में उपलब्धियाँ रही हैं, किसी एक उपलब्धि पे जब कहीं हम उनको चुनौती देते हैं, उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट कर लें। जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही है, हम इसके लिए तैयार हैं। और हमको लगता है कि एक नई परंपरा भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है, वैशाली का गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि क्यों ना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर के जो डिबेट होने चाहिए वो भी शुरुआत होनी चाहिए। और हम इसके लिए विनम्रता से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारी चुनौती को जो है वो स्वीकार करें और किसी एक विषय को जो भी उनकी उपलब्धि रही है उस पर डिबेट करें। नहीं, जनसभा जो आप कर रहे थे एसपी जी, तो काफ़ी लोग आप जुड़ रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, लोगों में तो भारी गुस्सा है सरकार के प्रति, और हम लोग बड़े कंफर्टेबली मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लोगों में उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं सभाओं में, आम सभाओं में लोग आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लोगों में बहुत गुस्सा नीतीश कुमार जी को लेकर के। आपको लगता है कि चिराग पासवान बड़ा फैक्टर है एज कम्पेयर टू नीतीश कुमार? आपको भी जनसभा दूर कर रहे हैं, देखिए वो खुद अनुमान बता रहे हैं, दूसरी ओर आपको बीजेपी उन्हें बोल रही है। देखिए, चिराग पासवान जी के साथ नीतीश कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत चिराग पासवान जी को इस समय उनके पिता की होनी चाहिए थी, आज हमारे बीच रामविलास पासवान जी नहीं हैं, जिसका हम लोगों को दुख है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार जी का रहा चिराग पासवान जी के प्रति, उनके साथ नाइंसाफी की गई है। सुशील मोदी ने कहा कि किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, 1 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए 2 रुपये बिजली की दर आ रही है, जबकि डीजल खर्च करने में 40 रुपये आती थी। किसानों को लेकर के हमदर्दी अचानक से इनकी जगह? देखिए, झूठ पर झूठ बोलना इनका काम है। सुशील मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार सरकार खुद का उत्पादन कितना करती है बिजली का। वो खरीदती है और डबल दुगुने दाम पे वो बेचने का काम करती है। हमने यही तो कहा, अगर हम सरकार में आएंगे तो बिहार में बिजली का उत्पादन करेंगे, जिससे बिजली की दरें जो हैं वो कम होंगी। निकल एक तस्वीर निकल के जिसमें लिखा हुआ था मिसयू लालू जी, लोगों ने आपको दिखाया है? वो तो देखिए जाहिर है, जग जाहिर है, उसमें किसी से छुपा नहीं है। लालू जी पार्टी के सर्वोसर्वा हैं, बिहार के जनता के दिलों में बसते हैं। आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। ऐसे में क्या चिराग पासवान से तेजस्वी का ये बढ़ता हुआ प्यार नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा देगा? आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।